कई लोग मुझसे आके कहते हैं, कान्हा तुम्हारे शब्द तो, अब क्या कहें, क्या से क्या कर जाते हैं, तुम्हारे शब्द असंभव को संभव कर दिखाते हैं। जब इतनी शक्ति केवल तुम्हारे शब्दों में है तो कुछ और करने की आवश्यकता ही क्या है। अब वो लोग ये बात नहीं समझ पाते कि ज्ञान केवल शब्दों का एक समूह है, किंतु इसका अर्थ क्या है ये जानने के लिए अनुभव करना आवश्यक है, उस मार्ग पे चलना आवश्यक है। ये अनुभव ही आपको अर्थ समझाएगा। जैसे तू कर्म करते जा, तू फल की चिंता ना कर, ये केवल शब्द है। इसका सार क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये समझने के लिए उस मार्ग पे आपको आगे चलना होगा, उसकी पालना करनी होगी, कर्म करने होंगे निरंतर, बिना ये सोचे कि क्या मुझे अपने कर्म का फल मिल भी रहा है या नहीं, तब इसका अर्थ आपको समझ में आए। कभी सोचिए कि हमारे घर में जो ज्येष्ठ होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उनके हम चरण स्पर्श करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास हमसे अधिक जीवन का अनुभव होता है। जीवन में केवल ज्ञान सुनना आवश्यक नहीं है, उसे समझना भी आवश्यक है। उसकी पालना करोगे तभी अनुभव करोगे, तभी अर्थ समझ में आएगा। तो ज्ञान केवल सुने नहीं, उसे समझे, उसे आचरण में लाए और मेरे साथ प्रेम से कहे, राधे राधे।